आज आप लोगों को हम मॉर्टीन का सही स्टैंड बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, छोटा सा प्रैक्टिकल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है। आपने कभी देखा होगा हम लोग मॉर्टीन लगाते हैं, ये मॉर्टीन जब थोड़ा नमी पकड़ लेती तो क्या होता है कि ये इस टाइप से धीरे 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 करके और ये इतना फ्लो करने लगती, स्प्रिंग की तरह बढ़ जाती है ना। कई बार आपने देखा होगा घरों में, जैसे हमने ये जर्नली स्टैंड पर इसको लगा दिया, बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल। ये हमने जर्नली स्टैंड को लगा दिया, होता क्या है ये धीरे धीरे नमी पकड़ने के बाद में क्या होता है, ये ऐसे करके यूँ ये ज़मीन लेवल पर टच करने लगती है और शायद थोड़ा बहुत जलने के बाद में अगर यहाँ से टच करेगी तो यहीं बुझ जाएगी, आगे कहीं से टच करेगी तो ये यहीं बुझ जाएगी और ये आधी जलने के बाद बुझ जाती है और हम लोगों को मच्छर काटने लगते हैं। तो आज हमने अपने दिमाग से एक छोटा सा फार्मूला निकाला है। इस फार्मूले को हालांकि हम पहले प्रयोग कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में हमने इसको प्रस्तुत किया है। आप देखिए, इस स्टैंड को आप मत लगाइए। इस स्टैंड से क्या होता है, नमी पकड़ने बाद हमारी मॉर्टीन कॉइल फ्लो कर जाती है और ये इस टाइप से नीचे की ओर एक्सेस करती है स्प्रिंग की तरह और ये ज़मीन में जो स्टार्टिंग जो छोर होता है या बीच का जो छोर होता है जहाँ तक जलती जाती है टच कर जाती है ज़मीन पर और ये बुझ जाती है। इसके लिए सिंपली आइटम है, घर में कहीं से भी आप झाड़ू में लगने वाला पतरा तार या कोई तांबे का तार कहीं भी मिल जाएगा आपको, और कहीं भी नहीं मिलता तो जो ट्रैक्टर बनाए जाते हैं उनमें तार मिल जाएगा। कुल मिला के कहीं ना कहीं पतला तार आपको मिल जाए। मिलने के बाद में कॉइल के बीच में छोटा सा छेद होता है, यानी कि जो स्टैंड लगाया जाता है इसमें आप इस प्रकार डालिए, देखा इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए आराम से, कॉइल ना टूट पाए ऐसे कर। इसको सेंटर में आप ये घर में चिमटी हो ना हो तो कोई कील हो, अगर चिमटी हो तो और बेटर रहेगा। इस प्रकार इसको एक दो फोल्ड लगाकर ऐसे इसको यहाँ इसको जलाइए और जलाने के बाद इसको जला दीजिए। और इस हुक को ऐसे एक डेफिनेट करीब एक फुट की दूरी पर, क्योंकि कितना भी बढ़ेगी तो एक फुट ये नहीं बढ़ेगी, एक फुट की दूरी पे कहीं भी आपकी कुर्सी हो या साइड में आपका कोई बेड बॉक्स टाइप हो या सोफा हो, कहीं भी आप ऐसे इसको सेट कर दीजिए। कितना भी ये बढ़ेगी कितना भी बढ़ेगी ये ज़मीन के लेवल को नहीं छू पाएगी और हमारी कॉइल पूरी रात पूरी ही जलेगी। इस स्टैंड से ये पूरी नहीं जल पाती। कभी कभार आपने देखा होगा सुबह सोकर जग के हैं, जैसे ही सोकर जगेंगे तो देखा आधी कॉइल जली और आधी जली ही नहीं और रात भर मच्छर मुझे काटते हो, है ना। तो ये क्या है कि इस प्रकार की टेम्परेरी व्यवस्था, यानी कि छोटा सा प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए, आप लोग कर सकते हैं। कहीं इसमें कुछ भी नहीं लगना आपका, एक चिमटी लगनी है 2-4 रुपए की, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लगना है और आपकी ये समुचित व्यवस्था बढ़िया सी आपकी हो जाएगी। ये पूरी रात आपकी कॉइल चलेगी, इसको कहीं भी चेयर ठीक कहीं भी किसी भी ऐसी जगह इसको, क्योंकि इसमें चिमटी है पकड़ने वाली, कहीं भी चेयर हो बेड बॉक्स हो कुछ भी इतनी दूरी से इसको ऐसे हुक टाइप से इसको स्टैंड की टांग दो, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रात जलेगी। तो मेरा एक ही मकसद रहता है मेरे चैनल का कि मैं अपने चैनल पर ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंस वस्तुओं के बारे में, प्रयोग के बारे में, चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिससे आपको लगभग 100% बेनिफिट मिलता है। मैं
गोपाल तिवारी प्रोजेक्टर रही नमस्कार।